राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली में एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें बच्चों ने वीडियो निर्माण के विभिन्न पहलुओं को सीखा, जैसे स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, कैमरा कैसे प्रयोग करते हैं, कार्यक्रम का संपादन कैसे करते हैं इत्यादि। प्रस्तुत कार्यक्रम इसी कार्यशाला के प्रतिभागी बच्चों द्वारा बनाया गया है। राष्ट्रीय बाल भवन की स्थापना सन 1956 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे और प्यार से उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। नेहरू जी ने एक ऐसे स्थान की स्थापना की जहां सभी वर्गों के बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, और ये स्थान है दिल्ली का बाल भवन जो कोटला रोड पर स्थित है। यहां आकर बच्चों को स्वयं की प्रतिभा पहचानने का अवसर मिलता है। बाल भवन बच्चों को एक सामूहिक मंच प्रदान करता है। उन्हें समूह में काम करने, परस्पर सहभागिता, भाईचारे, अपनेपन की भावना, प्यार और एकता के भावों से भर देता है। बच्चों को बाल भवन से जोड़ने के लिए अनेक आकर्षण हैं, जो बच्चों को बरबस अपनी ओर खींचते हैं। मिले जुले हर कार्य यहाँ हैं, मिलजुल कर सब करते काम, जिसको जो भी अच्छा लगता अपने मन का करता काम। जी हाँ, यहाँ पर बच्चे मिलजुल कर वो सब काम करते हैं जो बच्चों को पसंद है। बच्चे यहाँ कागज के तरह तरह के खिलौने बनाकर अपनी कल्पना को साकार करते हैं। आप कहाँ से आए हो? हम रामनगर पहाड़गंज से। पढ़ते हो? सेवंथ। बाल भवन में कब से आ रहे हो? 12 तारीख से। अच्छा, और क्या क्या सीखा आपने? जैसे कंप्यूटर, फोक डांस और पतंग बनाना, ऐसी छोटी छोटी चीजें। क्या नाम है आपका? रितु। एक महीने पहले। कैसा लग रहा है? अच्छा। क्या क्या सीखा? इंटरेक्टिव एक्टिविटी, फोक डांस और पतंग बनाना। प्रदर्शन कला कक्ष में बच्चे संगीत, नृत्य, नाटक, मूक अभिनय, वाद्य यंत्रों पर नन्नी नन्नी उंगलियों से स्वरों के द्वारा अपने छिपे कलाकार को साकार रूप देते हैं। चलो बजाओ मिलकर ताली, हाँ चलो बजाओ मिलकर ताली, ये कुछ अच्छा अच्छा लगता है, हाँ चलो बजाओ मिलकर ताली, ये कुछ अच्छा अच्छा लगता है, हाँ ये कुछ अच्छा अच्छा लगता है, वो ये कुछ अच्छा अच्छा लगता है, हाँ ये कुछ अच्छा अच्छा लगता है, वो ये कुछ अच्छा अच्छा लगता है। इन स्वरों पर थिरकते पांव मन मोह लेते हैं। बाल भवन में बच्चों की
रचनात्मक क्षमता का विकास करने के लिए तरह-तरह के मॉडल बनाना सिखाया जाता है। बच्चे इसे बड़ी रुचि के साथ सीखते हैं। कब से आ रहे हो? थोड़े से दिन हो गए हैं अभी। क्या सीखा आपने? कैसे सीखा? यहाँ पे प्लेन्स बनाने सीख रहे हूँ। बनाया आपने एक दो? जैसे ऐसे ही करके थोड़े से बनाए हुए। बच्चे अपनी कल्पना से तरह तरह के चित्र बनाकर उनमें रंग भरते हैं। रंग बिरंगे धागों से अपनी कल्पना को रंग देते हुए ये नन्हे नन्हे हाथ। आपका नाम क्या है आप बताइए, और आपने आज क्या सीखा वो बताइए, ठीक है? मेरा नाम अलीशा है। आज मैंने फोक डांस और स्केटिंग सीखी है। और आपने? मेरा नाम मोहित है, मैंने आज फोक डांस और स्केटिंग सीखी है। आपने फोक डांस और स्केटिंग सीखी? आइए अब इनसे पूछते हैं, आपने क्या सीखा आज? मैंने ड्राइंग और डांस। और नाम क्या है आपका? तन्वी। तन्वी, वेरी गुड। और आपने क्या सीखा? मैंने कंप्यूटर और ड्राइंग। नाम क्या है आपका? राघव। आपका नाम क्या है? महिमा। महिमा, आप यहाँ पे क्या क्या सीखते हो? क्ले मॉडलिंग और ड्रामा। क्ले मॉडलिंग और ड्रामा, आपको क्ले मॉडलिंग में अभी तक क्या क्या सिखाया है? अभी थोड़ी थोड़ी चीजें सिखाई हैं। जैसे? गमला बनाना, सांप, बस। बस, और ड्रामा में? पेंटिंग। ड्रामा में? ड्रामा में एक्टिंग करना सिखाते हैं। अभी तक आपने कोई नाटक किया है? अभी तो नहीं। और आपका नाम क्या है? वेद। वेद, आप क्या क्या सीखते हो? ड्रामा। आप क्या बना रहे हो यहाँ पे? ये बोतल से एक बर्ड बनाऊंगा। बोतल से बर्ड, कौन सा बर्ड बनाओगे आप? पिजन। पिजन स्पैरो। आपका नाम क्या है? पूजा। पूजा, आप क्या बना रहे हो? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी बना रहे हो आप? ज्वालामुखी कहाँ पे लगाओगे आप? ये कलाकार बच्चे मिट्टी को गूंद कर उसे नए रूप में बदल देते हैं। इन मिट्टी की मूर्तियों और खिलौनों को बच्चे अपने मन से आकार देते हैं। ये बच्चे लकड़ी को आरे से चीरते हुए और रंधे से आकार देते हुए इन्हें मूर्तियों का रूप देते हैं। यहाँ खेल खेल में बच्चे अपना शारीरिक और मानसिक विकास करते हैं। अचानक कोई घटना घट जाए, किसी को चोट लग जाए या कोई बीमार हो जाए,
तो उसे डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले प्राथमिक उपचार दिया जाता है। जी हां, बाल भवन में फर्स्ट एड का पूरा प्रबंध है। हम बना रहे हैं स्क्रीन प्रिंटिंग। इसके लिए पहले हमें एक ग्लास नेट की जरूरत पड़ती है और एक बनी बनाई तैयार स्क्रीन की। ग्लास नेट को बिल्कुल कस करके बॉर्ड पिन से इस पर स्क्रीन पर कवर किया जाता है और इस पर छपाई से या फिर अपने हाथों से कुछ भी डिजाइन किया जाता है और इस डिजाइन के आसपास की सारी जगह पेंट से ढक दी जाती है, किसी लाइट कलर के पेंट से, येलो या फिर वाइट। इसके बाद एक हम वाइट शीट लेंगे या फिर कोई कपड़ा, उसके ऊपर ये स्क्रीन इस तरह रखेंगे और हमें जो डिज़ाइन बनाना है, जो हमारा फेवरेट डिज़ाइन है, जैसे कि ये, इस पर हम जिस कलर से बनाना वो कलर यूज़ करेंगे। कलर डाल दिया, ये कलर पिगमेंट कलर कहलाते हैं। इसके अंदर फिक्सर और बाइंडर मिक्स होता है और ये स्क्यूजी से इसके ऊपर पूरे को फैला दिया जाता है और कस करके कलर को पूरा खींचा जाता है इस तरह। और इसमें जो फिक्सर होता है वो कपड़े के ऊपर पूरा पक्का करके इसको चिपका देता है कलर को, और हटाने पर ये हमारा फ्लावर तैयार हो जाता है। आगे भी कोई भी डिज़ाइन बनाना हो उस पर भी हमें इस तरह से ही बनाना होगा। मेरा नाम राज तोमर है, मेरा बाल भवन में फर्स्ट ईयर है और मैं यहाँ पर स्क्रीन पेंटिंग सीखने आता हूँ। आपका नाम? हिमानी गुप्ता। आप यहाँ पर क्या सीखने आते हो? स्क्रीन पेंटिंग। आप बाल भवन में आपको कैसे लगा? कर बहुत अच्छा लगा। आपके पेरेंट्स ने मना किया कभी? नहीं, वो हमें उल्टा अलाउ करते हैं, हमें अलाउ करते हैं वो लोग। आप यहाँ पर क्या सीखने आते हो? मैं स्क्रीन प्रिंटिंग और जूडो। आपको बाल भवन कैसा लगा? बहुत अच्छा, और मेरे को यहाँ का हर चीज़ अच्छी लगती है। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे अच्छे से सिखाते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे सब बच्चे आएँ, जो जो यहाँ पे आना चाहते हैं, जिन जिन ने कुछ भी सीखना है वो ज़रूर आएँ यहाँ पे। मेहंदी के अलग अलग डिजाइनों को हाथों पर लगाकर मन मोह लेता है ये मेहंदी का रंग। मेरा नाम साधिका है, मैं मयूर बिहार फेस वन से आई हूँ। मैं इस बाल भवन में कथक सीख रही हूँ एक डेढ़ महीने से, और अब मैं आपको कथक करके दिखाऊंगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्षिता है और मैं यहाँ 3 साल से आ रही हूँ। मैंने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बजाने भी सीखे और मैंने फ्लावर्स, फैन और काइट बनानी भी सीखी। मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, मैंने यहाँ बहुत अलग अलग तरीके की चीजें सीखी। हमें बाल भवन बहुत अच्छा लगा है, हम हमेशा आते हैं। यहाँ पौराणिक कथाओं को छोटी छोटी मूर्तियों द्वारा दर्शाया गया। बाल भवन में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की मछलियां भी इस एक्वेरियम में आप देख सकते हैं। बच्चे इन मछलियों के बारे में जानकारी लेते हैं। मछलियों की आदतें, उनके खान पान की जानकारी भी बच्चे यहां प्राप्त करते हैं। बच्चों की रुचि की सभी किताबें हैं यहां पर, पढ़ो और ज्ञान बढ़ाओ। बच्चों द्वारा नाटक, वाद विवाद प्रतियोगिता के कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए जाते हैं। भाई साहब ने बहुत परिणाम किया, जी में तो आया, भाई साहब को आ रहे आप लोग क्यों?
काम गई आपकी का घोर तपस्या, दिन भर किताब में आगे फोड़ने से कुछ नहीं होता। यहाँ बच्चे पाक कला भी सीख सकते हैं। भोजन को स्वादिष्ट और संतुलित कैसे बनाया जाए, इसकी जानकारी भी बच्चों को यहाँ दी जाती है। छोटू आपका नाम क्या है? हर्ष। हर्ष, हर्ष आप कितने साल से यहाँ पे आ रहे हो? ये मेरा पहला साल है। पहला साल है, आप यहाँ पे क्या क्या सीखते हो? मैंने यहाँ पे सोलर पिट और शनाई सीखता हूँ। अच्छा अच्छा, तो क्या कैसा लगता है आपको यहाँ पे आके? अच्छा लगता है। आपका क्या नाम है? शिवांगी। शिवांगी, आप यहाँ पे क्या क्या सीखते हो? मैं सोलर पिट और पेंटिंग सीखती हूँ। पेंटिंग, कब से आ रहे हो आप यहाँ पे? मैं इसी मंथ से आ रही हूँ। ओके, आपका क्या नाम है छोटी? श्वेशी। श्वेशी, आप यहाँ पे क्या क्या सीखते हो? सोलह पे तो शहना है। आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? ये मेरा दूसरा साल है। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम रुचि। रुचि, आप यहाँ पे कब से आ रहे हो? अभी सेकंड डे है आज। सेकंड डे है, कैसा लगता है आपको यहाँ पे? अच्छा लगता है। कैसी लगी आपको यहाँ की फैकल्टी? फैकल्टी तो बहुत अच्छी है, सब हर किसी एक्टिविटी की अच्छी है। ओके, थैंक यू। आज के बच्चे कल के नेता है। यदि आज के बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा तभी ये बच्चे कल देश का सर्वांगीण विकास कर सकेंगे। चाचा नेहरू के इसी सपने को साकार करने के लिए बाल भवन की स्थापना की गई। आइए चाचा नेहरू के इस स्वप्न को साकार करने के लिए हम सब भी अपने अपने स्तर पर मिलकर काम करें। नई नजर से दुनिया देखे है ऐसा संभव यहाँ।